क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारतीय महिलाओं ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरे मैच में जीत दर्ज की और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस मैच में एक बार फिर से हरियाणा के रोहतक की 16 साल की शेफाली वर्मा ने कमाल का खेल दिखाया और मैन ऑफ द मैच भी चुनी गई। लेकिन सबसे रोमांचक मौका तब आया जब मैन ऑफ द मैच लेते समय शेफाली ने हरियाणवी भाषा बोलकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ, आप भी शेफाली वर्मा की इस बड़ी उपलब्धि पर कमेंट जरूर करें। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मैच में युवा सनसनी 16 साल की शेफाली वर्मा ओपनिंग करने आई और एक बार फिर उसी अंदाज में बैटिंग की जैसी बैटिंग पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ की थी। हालांकि इस बार थोड़ा सा संभल कर खेलती हुई दिखी और शेफाली ने आउट होने से पहले 46 रन की बड़ी पारी खेली जो भारत की तरफ से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पारी भी थी। अब इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कीवी टीम को 3 रन से हरा दिया। हरियाणा की छोरी शेफाली को एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। अब इस दौरान शेफाली का इंटरव्यू भी हुआ तो इंटरव्यू के दौरान इयान बिशप ने अंग्रेजी में शेफाली से सवाल पूछे। हालांकि शेफाली के साथ इंग्लिश को समझाने के लिए और बतौर ट्रांसलेटर एक अन्य भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन शेफाली ने तब सबका दिल जीत लिया जब शेफाली से बिशप ने अंग्रेजी में पूछा कि आप इतने लंबे छक्के कैसे मार लेती हैं। तो शेफाली ने हरियाणवी भाषा में जवाब दिया कि मुझे तो छक्के मारने ही आते हैं और ये मेरे पापा की मेहनत का नतीजा है। दुनिया के सामने शेफाली ने अपनी भाषा में बात की और पूरा क्रेडिट अपने परिवार को दे दिया जो कमाल था। तो आपका शेफाली के इस खास अंदाज और शेफाली के इस खास प्रदर्शन पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।